सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 12 मई 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन अब तक 16 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। नीति आयोग और किस कंपनी ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड और नीति आयोग ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके द्वारा डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर 2020 में आयोजित 5 गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक दिन में कितने मैट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है? 831 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक दिन में 831 मैट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 295 टैंकरों में 4,700 मैट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पांडुचेरी हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? चौथा प्रदेश बन चुका है पांडुचेरी। हाल ही में हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पांडुचेरी से पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 12 मई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 मई को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इनमें से कौन सी भारतीय क्रिकेटर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। भारतीय वुमेन्स टीम की ओपनर स्मृति मंधाना हाल ही में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। उनके साथ ही हाल ही में मेंस टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, दिनेश कार्तिक, दीपक चाहर और सिद्धार्थ कौल ने वैक्सीन लगवाई है। कितने वर्ष से उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया सिटकर एस्ट्रोलिज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्षीय। हाल ही में 7 वर्षीय उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया सिटकर एस्ट्रोलिज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा। वे विश्व की पहली बच्ची हैं जिसकी बनाई चीज चांद पर जाएगी। हाल ही में किस देश के जनगणना के सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन की। हाल ही में चीन के जनगणना के सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन से बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। बीते दशकों में चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में चीन की आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अभिनेता को शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है?
$15 मिलियन। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है, अमेरिका में है। ट्विटर CEO जैकी डार्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। ICC ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? बाबर आजम को चुना है। यह पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के खिलाड़ी ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों का विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। देश ने फतेह एक रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। देश ने साइनोफार्मा COVID-19 के टीके को मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने शाहीन 2A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत और पाकिस्तान देश के बीच 27 सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। फीफा ने पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। हाल ही में नासा के नए प्रशासक कौन बने हैं? तो नासा के नए प्रशासक बने हैं बिल नेल्सन। पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए बिडेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की है। नासा नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को। इधर मुख्यालय Washington DC अमेरिका में। किस राज्य में RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने सभी राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी के RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। CM विप्लव कुमार देव हैं। गवर्नर रमेश वैस हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से त्रिपुरा राज्य तक चलाई गई है। राज्य ने बांस के बिस्कुट लॉन्च किए हैं। राज्य ने बांस के बिस्कुट के बाद बांस के चावल लॉन्च किए हैं। 43वां कॉक बोरो दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है। 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला त्रिपुरा में मनाया गया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है CBSE ने। 83 स्वयंसेवक काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान किया जाएगा। ये सत्र मुफ्त होंगे और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रदान किए जाएंगे। CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष मनोज आहूजा। 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी क्रिकेटर कौन शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्जन नागवासवाला। यहाँ पर 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी क्रिकेटर शामिल हुए हैं अर्जन रोहिंगटन नागवासवाला। महाराष्ट्र सीमा के पास के गांव में पारसी समुदाय से हैं और 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित किया गया है। भारतीय टेस्ट टीम में एक आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो एक मूर्तिकार थे। ओडिशा के प्रसिद्ध मोहपात्रा को कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए 1975 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। प्रमुख नेता ओडिशी छऊ म्यूर कोयल हैं। मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल भीतरकनिका यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार 3री बार कायाकल्प
पुरस्कार जीता है। ओडिशा ने वो छटुआ और ई कालिका ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। ओडिशा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है। ओडिशा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ओडिशा में अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका मिला है। ओडिशा ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैडन मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना शेवलेंका ने यह खिताब जीता है। टेनिस में विश्व 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना शेवलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। भारतीय मूल की मारिया थॉटल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पूरे भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स 12 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 12 मई के इतिहास में, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 12 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। आज एक दिन जोधपुर की स्थापना 1469 में हुई थी। पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने 1666 में आगरा पहुँचे। इंग्लैंड और हॉलैंड ने 1689 में लीग ऑफ आग्सबर्ग बनाया गया। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 1915 को जापानी नौका सानू की मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान 1925 में स्वायत्त सोवियत गणराज्य बने। ऑस्ट्रिज में 1500 यहूदियों को गैस चैम्बर में 1942 को मारा गया। इजराइल और पश्चिमी जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान 1965 में किया। रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई सतेपनिस कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त। अमेरिका वित्त मंत्री रॉबर्ट रूबिन का अपने पद से 1999 में इस्तीफा हुआ। मिस्र सीरिया व सऊदी अरब ने पश्चिमी एशिया मामले में शांति समझौते की इच्छा 2002 में जताई। सऊदी शहर रियाद में अलकायदा के हमले में 26 लोगों की मौत 2003 में हो गई। चीन के सिचुआन में 2008 के भूकंप से 69,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जजों की बहाली के मुद्दे को लेकर कोई समझौता न होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने साझा सरकार से हटने का निर्णय 2008 में लिया। 12 मई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन के जन्मदाता एक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन करने वाले कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म 1875 में हुआ। एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक जय कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में आज ही के दिन हुआ। पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल वीरेन जे शाह का जन्म 1926 में आज ही के दिन हुआ। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन का जन्म 1945 में हुआ। राजनीतिज्ञ एवं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म 1989 में आज ही के दिन हुआ। 12 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 12 मई 1993 को हुआ। 12 मई के महत्वपूर्ण अवसर उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 12 मई आज एक दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, मॉडर्न नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस के रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।